दिल्ली में जल तांडव लगातार जारी है। देश की राजधानी का हाल बेहाल हो चुका है। यमुना नदी में जलस्तर घटने लगा है, लेकिन इंद्रप्रस्थ के समीप दिल्ली सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के रेगुलेटर को नुकसान पहुंचने के कारण आईटीओ और राजघाट के इलाके शुक्रवार को जलमग्न नजर आए। बाढ़ का पानी मध्य दिल्ली के तिलक मार्ग इलाके में स्थित सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इंद्रप्रस्थ के पास एक नाले में जलस्तर के बढ़ोतरी के कारण यह खतरा मंडराने लगा था कि बाढ़ का पानी कहीं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में प्रवेश न कर जाए। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पानी न पहुंच जाए, इसके लिए इंद्रप्रस्थ के पास के छोटे नाले पर छोटा बांध तैयार कर रही थी। वहीं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज बार को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुख्य सचिव को रेगुलेटर को क्षति पहुंचने के मामले पर प्राथमिकता के आधार पर गौर करने और समस्या के हल करने का निर्देश दिया है। रेगुलेटर को नुकसान पहुंचने के कारण यमुना नदी का पानी शहर के इलाकों में प्रवेश कर चुका है। शुक्रवार सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 208.42 मीटर था। आईटीओ और राजघाट के इलाकों में बाढ़ आने के कारण प्राधिकारियों को यातायात की आवाजाही पर पाबंदियां लगाने की जरूरत पड़ी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी और पुलिस ने भी ट्वीट कर लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। वहीं यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते यमुना बाजार में जल भराव की स्थिति बन गई है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते शांति वन पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली में इस तरह से बाढ़ की स्थिति ने पिछले 45 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 45 वर्ष पूर्व दिल्ली में इस तरह की बाढ़ की स्थिति देखने को मिली थी, जिसके बाद आज कुछ इस तरह से दिल्ली बाढ़ के पानी से पूरी तरह से बेहाल है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।